सामईन नाजरीन आदाब, अजमत टाइम्स न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इया कना बुदू व इया कनस्तईन, तेरी ही इबादत करते ही, तुझसे ही मदद चाहते ही। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं यह बहुत खुश नसीब इंसान है, ख्वाब में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया है। ये भाई पहले गैर मजहब के थे, वो उनका ताल्लुक हिंदू मजहब से था, फिर अल्लाह ताला ने उन्हें हिदायत अता फरमाई और ये मुसलमान हुए। जैसे ही ये मुसलमान हुए, चारों तरफ से तकलीफ पर तकलीफ मुसीबतों ने घेर लिया। मुसलमान होने वाले लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है। जैसा ही इस भाई ने इस्लाम कबूल किया, चारों तरफ से मुसीबतों ने घेर लिया। एक रात उन्होंने उदास होकर रो करके अल्लाह ताला की बारगाह में गिला करके सोए। नमाज फजर से पहले ख्वाब में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देखा। पढ़ते हुए सूरत याद की थी, सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। तो उसमें तो बताया गया कि कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है ना किसी का बेटा, और कोई उस जैसा नहीं है। अहमद, वो रोशनी कहाँ मिली? सर, ये रोशनी जब मैं मैट्रिक में चला गया, तब मतलब मैं इस्लामियात में इतना तेज हो गया था कि मेरे जो क्लास फेलोज थे मुझसे सूरतों के आयतों के तर्ज में पूछे थे पेपर के अंदर, ऑलमोस्ट दो तीन को तो मैंने खुद ही पेपर भी करवा दिया था। तो बस उस वक्त ये रोशनी मुझे नसीब हो चुकी थी। मुझे 5 साल हुए दीन में आए हुए। क्या तकलीफें झेली, क्या मुश्किल आई? तकलीफें तो सर बहुत ज़्यादा हैं, मतलब वो जो दीन आप लोगों को मिला वो आसान है, और जो दीन हमें मिला है वो स्ट्रगल है। मतलब अगर मैं क्वेश्चन कर लूँ कि आपसे क्वेश्चन कर लूँ, आपने दीन के लिए क्या किया, आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन मैंने अपनी वाइफ छोड़ी है, मैंने घर छोड़ा है, दौलत छोड़ी है, जायदाद छोड़ी है, मैंने एक नौकरी छोड़ी है, वो सिटी छोड़ा है जो पसंद था मुझे। सब कुछ छोड़, तकरीबन सब कुछ छोड़। मुझे जरा बताना यार, क्या हुआ? सर, तकरीबन ये हमारी कुछ अरसा पहले हमारे घर पे कुछ एक फैमिली आई थी, मुस्लिम फैमिली थी, जाने वाले, तो वो यहाँ से लड़के गए थे, मतलब मेरा सर भी फटा रहा उसके अंदर, और फिर उल्टा हमें मार के और जाके हम पे रिपोर्ट कर दी। तो दिल दुख गया? दिल बहुत दुख गया था सर, बहुत दुखा था। बस उस रात में अल्लाह माफ करे अल्लाह से गिला करके सोया था कि या अल्लाह, मतलब तूने तेरे रास्ते पे आए हैं और तूने इस तरह हमें जहरीलो ख्वार छोड़ा हुआ है। तो तकरीबन फजर के वक्त हम नमाज के लिए उठते हैं, तो मैं सामने एक तेज रोशनी है मेरे बिल्कुल सामने, उस तेज रोशनी में जो है वो सरकार दो आलम खड़े हुए, तशरीफ वहां पे खड़े हैं और मुझे उन्होंने आवाज दी, या अहमद, या अहमद, या अहमद, ये कहा उन्होंने। तो मैंने उन्हें सलाम किया। तकरीबन 16 मिनट हमारी बातचीत रही और तकरीबन जो भी तो वीडियो आपने देख लिया। यकीन मानिए, जो भी इस्लाम गैर मुस्लिम कबूल करता है अक्सर उनके साथ यही सब कुछ होता है। तो इस भाई के साथ हुआ, उनको घर से निकाल दिया जाता है और जायदाद से बेदखल कर दिया जाता है। अजीजों, अखराब, माँ बाप, भाई बहन सबके सब घर में नहीं रखते, ज्यादा से ज्यादा उनको तकलीफ आजियत देने की कोशिश की जाती है। यही वो लोग हैं, इनको अल्लाह ताला ईमान की मिठास, ईमान की वजह से नवाजता है। फिर ऐसे ही खुशकिस्मत लोग हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में दीदार करते हैं।